हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड, एपिसोड नंबर 33 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है तो जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के पहले सीन में हमें लूसी को दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी लोग बीच पर आए होते हैं और सभी के सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। यहां पर ग्रे और एपी और इराजा, ये सभी लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और सभी एक दूसरे पर वॉलीबॉल खेलने के बाद पंचेस मारते हैं। यहां पर दिखाया जाता है कि ये लोग एक ही रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और यहां पर कुछ भद्दा मजाक हो गया है गाइस, तो दबा सकते हो आप लोग बेल आइकन। खैर, यहां पर हमें दिखाया जाता है एक्स को, यानी कि ग्रे की एक्स गर्लफ्रेंड को। यहाँ पर इराजा सो रही होती है आराम से और तभी उसे सपना आता है कि एक बड़े से शिप इस समुद्र पर आ रहा है और टापू पर कुछ लोग खड़े हैं जो अपने कुत्ते और बाकी लोग खड़े हैं जो कि मैजिशियन हैं और उन सभी से लेबर गिरी करवा रहे होते हैं, आई मीन चाइल्ड लेबर, जो कि गुनाह है, तो आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। खैर, ज़्यादा ज्ञान न देते हुए सीधे इन बात पे चलते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे घोष को दिखाया जाता है जो भी वहाँ पर आते हैं उनसे काम कराने के लिए। तभी राजा की नाक खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो तो सिर्फ एक सपना था। यहाँ पास से मैं बता दूँ कि ये इराजा की एक बैक स्टोरी है, जहाँ पास से वो अपने आप को शीशे में देखती है और रिक्यूपिया करती है और अपने नॉर्मल सूट फॉर्म में आ जाती है। तभी लूसी वहाँ पे एंटर करती है और कहती है कि चलो हम लोग कसिनो में चलते हैं नीचे गेम खेलने के लिए। तभी वो फिर से रिक्यूपिया करती है और एक सेक्सी वाले कपड़े पर आ जाती है। यहाँ पास से वो एक सुंदर पोज देती है और लूसी की जल जाती है क्योंकि वो उससे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, वाकई सुंदर लग रही थी। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सभी लोग के आपस में मज़े कर रहे होते हैं। भी हमें कसिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर मज़े कर रहे होते हैं और कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, कहीं पर शॉपिंग कर रहे होते हैं, बाकी सभी लोग वहाँ पर नाच रहे होते हैं। नाचु परेशान होता है क्योंकि वहाँ पर 17 नंबर उसका नहीं आ रहा होता है उस गैम्बलिंग में। यहाँ पर आती है एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ ग्रे, जो कि वहाँ पर आ जाती है ग्रे के पास बैठने के लिए। तभी वहाँ पर हमें नाचु को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है उस मशीन पर। तभी एक बंदा अपीयर होता है और वो कहता है मशीन को पीटना बंद करो, अब मेरी बारी और इराजा कहाँ है मुझे जल्दी बताओ। यहाँ पास से वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है अब तो तुम गए बेटा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रे को और जूविया को जो भी बातें कर रहे होते हैं। जूविया उससे पूछती है कि फेरी टेल में आने के लिए उसे क्या करना होगा। तभी वहाँ पर उन पर हमला कर देता है साइमन नाम का बंदा, जो कि कहता है कि इराजा कहाँ पर है। यहाँ पास से सभी लोग भाग अफरा तफरी मच जाती है और भागने लगते हैं इधर उधर। इन लोग का ध्यान थोड़ा सा भटकता है उस जगह पर, लेकिन बोलते हैं कोई बात नहीं, देख लेगा वो। यहाँ पास से दिखाया जाता है उन दोनों को जो कि घायल हो चुके होते हैं। यहाँ पास दिखाया जाता है ग्रे को जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से वो गिर गई, उसे चोट लग गई। यहाँ पर नाचु अभी भी ग्रे उस बंदे के गन पॉइंट पर होता है और वो कहता है तो क्या मुझे इरादा चाहिए। यहाँ पास से कार्ड शो होते हैं सभी लोगों को और सभी लोग कार्ड देखते काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि अभी भी इरादा जीत रही होती है और बाकी लोग हार रहे होते हैं। यहाँ पर इरादा भी कुछ टेंशन में हो जाती है क्योंकि उसके सामने जो कार्ड्स आए होते हैं वो उसे फाड़ कर रख देते हैं, आई मीन डेथ लिखा होता है उसमें, जिसे देख कर इनकी फट जाती है और इसे फाड़ने वाला कोई और नहीं शोन होता है और कहता है कैसा लगा, मिलकर काफ़ी साल हो गए हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पर वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो उसे पहचान जाती है कि वो कौन है। तभी वहाँ पे फाइटिंग होने वाली होती है, सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जूविया को जो कि अपने आप को फिर से हील कर लेती है बाय वाटर और बोलती है कि ठीक है अब मेरी पावर की बारी, तुमने अपना जो भी दिखाना दिखा लिया। वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और कुछ नहीं दिखता। तभी शो अपने आँखों की लाइट जलाता है और कहता है डार्क मैजिक। यहाँ पर मैं बता दूँ कि उसकी मैजिक का पावर डार्क था। यहाँ पास से नाचू बोलता है ये क्या मजाक है। यहाँ पास से वो हंस रहा होता है और कहता है तुम तो गए। यहाँ पास हमें दिखाया जाता है जो कि सभी लोग खड़े होते हैं, लूसी और इराजा भी, लेकिन सभी लोग परेशान होते हैं और अचानक से ही लाइट जलती है। वहाँ पर जब लाइट जलती है तो आसपास पूरा कसिनो खाली हो चुका होता है और इस बंदे ने यानी कि शो ने पूरे के पूरे शो को ही शो कर दिया होता है, यानी कि कार्ड्स के अंदर सभी लोगों को कैद कर दिया होता है और सभी लोग उस कार्ड के अंदर रह के परेशान हो गए होते हैं। ये आपको दिखा देख रही है जैसे अगर आप लोग देख ही पा रहे होंगे। बंदा अभी भी हंस रहा होता है, आई मीन शो के अभी भी हंस रहा होता है और इराजा आई मीन लूसी को दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी में कैद होने वाली होती है और हो भी जाती है। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसका नाम कुछ दूसरा है लेकिन मैं इसे कैटगर्ल ही बुलाऊंगा। तो यहाँ पर वो कैटगर्ल आती है उमियो उमियो करते हुए कहती है क्या बात है इराजा, काफ़ी साल हो गए हमें तुम्हें से मिले हुए,
तो इतना शॉकिंग क्यों हो रही हो? जहाँ पास से वो सभी लोगों से मिलती है और शॉक में होती है। यहाँ पास से एक बंदे की और आवाज़ आती है तो और वो वहाँ पर अपीयर हो जाता है और कहता है, कैसी हुई राजा? यहाँ पास से वो उसे भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और एक बंदा लूसी देखकर उसे कहती कि क्या ये बॉक्स भी एक इंसान जैसा है, काम कर सकता है? तभी पीछे से एक बंदा और अपीयर होता है जिसका नाम वॉल्की होता है और वो वहाँ पास अपीयर होता है सीधे इरादा के पीछे। यहाँ पास से बोलते हैं, कैसी हो? और लूसी यहाँ पर गिर जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि वो रस्सी और भी ज़्यादा तकलीफ़ से उसे बांध रही होती है। यहाँ पास से वो चारों लोग एक जगह यूनाइट होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी इस चालाकी की तो मैं इस लूसी को मार दूंगा। तभी पीछे से उसके एक ज़बरदस्त मैजिक किया जाता है जहाँ पास से लूसी मिनीराजा को लग जाती है। बाकी लोग भी वहाँ पर घायल होते हैं और जैसा कि नात्सु के मुँह से धुआं निकल रहा होता है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तभी लूसी वहाँ पर गिरे हुए कहती है कि राजा और नात्सु और ग्रेद उसे बचा लेंगे। तभी वो बंदे बोलते हैं कि नात्सु को भी मैंने ख़त्म कर दिया है, घायल कर दिया है और नात्सु भी एक बॉल पर ऊपर पड़ा हुआ है, जाकर देख सकती हो। जहाँ पास से वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है क्योंकि वो रस्सी उसे और भी ज़्यादा पीछे की तरफ खींच रही होती है और वो बिल्ली बोलती है तुम मर भी सकती हो अगर तुमने ज़्यादा कोशिश की। तभी वहाँ पे वो बॉक्समैन एक हैप्पी को एक गिफ्ट के रूप में उस कैटगर्ल को देता है जिसे कैटगर्ल देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और प्यार हो जाता है उसे। वो उसे हवा में उछालने लगती है। ये देख कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है बंदा हमीशो, जो कहता है कि चलो अब हमारी चलने की बारी आ चुकी है। तभी लूसी कहती है हे यूसेफ मत ले जाओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तभी वो अपनी सिलेस्टियन चाबी को नीचे की तरफ उतारती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो पूरे फर्श पर चारों तरफ घूम रही होती है और कहती है कि कैसे 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 करूं। तभी एक फ़ोटो से एक आवाज़ आती है, कहता है कि मैं जल्दी से इसे काट सकता हूं, बस तुम्हें अपनी रस्सी को मेरे चाकू तक लाना होगा। जिसके बाद वो रस्सी को उसके चाकू तक लाती है और वो उस रस्सी को काट देता है। यहाँ पास उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है और पोजीशन देखकर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खैर, यहाँ पास से वो रस्सी टूट जाती है और हमें दिखाया जाता है उस फोटो को, जिसे लूसी को छुड़ाया था, और वो उसे किस कर लेती है जिसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो उसे फेंक कर वहाँ से निकल पड़ती है। वहाँ पास से वो सीधे ग्रे के पास जाती है और ग्रे को उठाने की कोशिश करती है। ग्रे पूरा बर्फ़ का बन चुका होता है और वो जैसे ही छूती है वो पूरा का पूरा बिखर जाता है वहीं पर और वो बोलती है ये क्या हो गया। खैर, यहाँ पास से वो फिर से उसे जोड़ती है लेकिन कुछ अलग ही पोजीशन में। खैर, यहाँ पास से हमें पता चलता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि जूविया और ने बचा लिया होता है ग्रे को और ग्रे को वो काफ़ी कृपी तरीके से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैसे काफ़ी सेक्सी पोजीशन में था दोनों। खैर, यहाँ पर हमें दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने शर्ट उतारता है और कहता है हमें ढूंढना होगा। और नात्सु कैसा है वो पूछती है। तभी नात्सु अपने मुंह का आग निकालता है और कहता है मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, सारी लोगों की ऐसी कि खैर, यहाँ पास से वो सीधे भागना चालू करता है और वो सब जगह से धूल मचाते हुए निकल जाता है और कहता है मैं आ रहा हूँ राजा। जहाँ पास से हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक बड़े से खंडहर जैसे बॉक्सेस और कुएं जैसा कुछ दिख रहा है। खैर, यहाँ पास से दो लोग को दिखाया जाता है और एक काफ़ी बड़ा महल होता है। इस महल का नाम द हेवन ऑफ टावर होता है और यहाँ पर कुछ गार्ड्स अभी भी खड़े होते हैं और ये हेवन ऑफ गॉड है, मतलब हेवन ऑफ टावर है, हेवन जैसा तो लग नहीं रहा, हेल जैसा लग रहा है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि वहाँ पर अपीयर होता है और वो सामने जाता है और बोलता है बॉस इरादा पकड़ी जा चुकी है, वो आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक हाई काउंसिल मैजिक का मेंबर है जिसे हमने काफ़ी बार पहली एपिसोड में भी देखा होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें लूसी इरादा को जिंदा नहीं रखना है, उसे मरना होगा, उसे सेक्रीफाइस करना होगा। तभी हमें टावर को दिखाया जाता है जिसका सीन शिफ्ट होता है एक जहाज़ पर। यहाँ पर इरादा बैठी होती है और उसके सामने आता है शो। शो कहता है कि हम काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं इरादा, तुम्हें तो याद ही होगा। जहाँ पर इरादा कहती है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे कभी फाइट करूँगी। यहाँ पास वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो रोने लगता है उससे लिपट कर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जहाज़ को दिखाया जाता है जहाँ पास से सभी लोग आ रहे होते हैं उस टावर की तरफ और हमें उस बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब वो बचपन के थे। यहाँ पर इरादा काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और मतलब छोटी इरादा और बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि सब बच्चे थे उस टाइम पर। वहाँ पर वो बंदा भी आता है जो कि हाई काउंसिल का मेंबर था, उसका बचपन का रूप है
यहाँ पास से वो लूसी को आता है और सहानुभूति देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफी जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।